हेलो एवरीवन। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो हमारा वही खूबसूरत बात कि हम आज चैप्टर के सबसे पहले तो नाम को समझ लेते हैं, फिर उसके अंदर क्या मटेरियल है उसकी बात कर लेंगे। तो हमारे जो चैप्टर है उसमें तीन शब्द हैं, एक तो फोर्स है और एक एंड है और एक प्रेशर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है, और मैं आज पूरी बातें करूंगा ए टू जेड फोर्स से रिलेटेड। अब कोई भी बच्चा अगर सोचता होगा कि वो खेल रहा है या वो कहीं जा रहा है या कोई चीज़ देख रहा है, तो उसने एक बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसने एक बहुत बढ़िया सा एक ऑब्जर्वेशन किया होगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपने ना आपके दो दोस्तों में लड़ाई हो गई। अब जब आपके दो दोस्तों में लड़ाई हो गई तो आप बोले धक्का क्यों मार रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और किसी ने भैया तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, तुमने मुझे खींचा, सर इसने मेरे बाल खींच दिए, इसने मुझे धक्का मारा, इससे मेरी इसलिए लड़ाई हो रही है, मैं इसको इसलिए मारूंगा। ऐसी जब आपकी बचपन में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आजकल तो आप धक्का कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी करते हो। जैसे गाड़ी ख़राब हो गई किसी की, भाई धक्का लगा दे यार थोड़ा सा, ऐसा करते होगे ना। कोई चीज़ रुकी हुई है, ए भैया इसको हिला दे थोड़ा, वहाँ से वहाँ रख दे यार प्लीज़ यार। तो आप जब ऐसा काम करते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैं मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे एक कुछ लगा रहा हूँ। अभी मैं बताऊँगा क्या लगा रहा हूँ। अगर मैं इसमें मान लीजिए कुछ लगा रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको धक्का मार रहा हूँ, मान लीजिए मैं धक्का मार रहा हूँ, तो क्या ये ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा? बोलो हाँ या ना, क्या ये मूव करना चालू कर देगा? मेरे प्यारे बच्चों बोल सकते हो आप लोग, जल्दी बोलिए, क्या ये मूव करना चालू करेगा? नहीं बच्चों, ये तब तक मूव नहीं करेगा। अब मान लो एक ट्रक को तुम हिला रहे हो, अब एक ट्रक खड़ा हुआ है, अभी तो मैंने ब्लॉक बोल दिया, अब मैंने कहा कि एक ट्रक है बच्चों, अरे बस है, ट्रक है, इतनी बड़ी बस है कि क्या ही बता दो। तो सर इस बस को धक्का लगाना एक ही बंदे के बस की बात नहीं है। तो बच्चों इसको धक्का लगाने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मटेरियल लगेगा जो ये हम धक्का लगा रहे हैं, ज़्यादा धक्का। तो भाई कोई भी चीज़ को हिलाने के लिए, मूव करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी पुश का। अब मान लीजिए इसको धक्का नहीं लग पा रहा है, तो हमने इस बस के नीचे से एक रस्सी को बांधा, एक रस्सी को किसी और जीव वीव में बांध दिया बढ़िया, और अब बोल रहा है कि भैया खींच लो इसको, तो ये रस्सी थोड़ी सी टाइट हो गई, जब टाइट हो गई तो ये जीव इसको खींच रही, जैसे ट्रेन के डब्बे खींचते हैं। तो खींचना भी एक प्रकार से इस किसी चीज़ को हिलाना हो गया। इसका मतलब या तो इस पर पुश कर दो या तो इसको खींच लो, और पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब क्या होता है, खींचना। अब कोई भी चीज़ तब मूव करती है जब या तो उस पर पुल लगता है या पुश लगता है। जैसे आपने बहुत सारी दुकानों में गए होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉल्स में गए होंगे, उन मॉल्स में एक कांच का गेट होता है, उसमें गोल गोल रहता है, उसमें लिखा रहता है पुश, तो आप धक्का लगाते हो। फिर जब वापस से आते हो तो उसमें लिखा रहता है पुल, तो आप खींचते हो। यानी आप वो जो गेट है उसको ऐसे खोलने के लिए या तो आप खींच रहे हो, और जब आप बाहर निकलते हो तो वहाँ लिखा रहता है पुल, यानी आप पुल खींच मतलब खींच रहे हो और पुश मतलब धक्का दे रहे हो। तो कोई भी चीज़ को मूव करवाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, आपको मूव करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, या तो पुल की या तो पुश की। और इसी एंड अ पुल एंड अ पुश On any object, is called force. अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पुश कितना स्ट्रांग है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यही देख लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही जो मैं इसको इस दीवार को खसकाने की कोशिश करूँ, तो मैं इस पर फोर्स तो लगा रहा हूँ, मैं इसको धक्का तो मार रहा हूँ, क्या ये हिल रही है? नहीं हिल रही, क्योंकि इसको हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा पुश लगेगा, बहुत ज़्यादा अगर मान लो खींच रहा हूँ तो क्या लगेगा, पुल लगेगा। वही अगर एक बहुत बड़ा बुलडोजर लेके आ जाऊँ और इस दीवार को गिराने की कोशिश करूँ तो क्या गिर जाएगी? हाँ गिर जाएगी सर। इसका मतलब किसी भी चीज़ को हैवी ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर लिखेंगे हम हैवी
टू, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टू मूव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाने के लिए वी रिक्वायर्ड फोर्स, कोई भी प्रकार का फोर्स हो सकता है, किसी भी प्रकार का फोर्स हो सकता है। इसका मतलब कोई भी चीज को मूव करवाने के लिए बच्चों किस प्रकार का फोर्स हो सकता है, कोई भी प्रकार का फोर्स हो सकता है। अगर वो हिल रही है, वो मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली, तो उस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स तो लग रहा है। अब सुनो, मैंने इस मार्कर को या इस वाले मार्कर को मैंने उठाया और ऐसे रखा, अब मैंने छोड़ा, ध्यान से देखना सब लोग, मैंने इसको उठाया और छोड़ दिया, तो क्या ये मूव कर रहा है? मैंने तो छोड़ा है, क्या ये मूव कर रहा है? बोले यस और नो, क्या ये मूव कर रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूं? अभी तो मैंने ना इसको धक्का मारा ना खींचा, तो इसको खींच कौन रहा होगा? अभी तो ना मैंने इसको धक्का मारा ना ही मैंने इसको खींचा, तो खींच कौन रहा होगा बच्चों? वेरी गुड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर एक ग्रेविटी नाम की चीज तो होती है ना, जो हम लोगों को हमेशा अर्थ की तरफ खींचती है, और खींचना मतलब क्या था, अ पुल और अ पुश। पुल मतलब खींचना और पुश मतलब भी फोर्स ही होता है। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, या हम कहें कि हमें एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ धक्का देता है, अर्थ की तरफ, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता है, अर्थ ही खींचती है, अर्थ ही हमें अपनी तरफ खींचती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या कोई फोर्स लग रहा होगा? उसी को हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल सकते हैं उसको? अभी हम लोगों ने कोई ऐसी कोई ज़्यादा खास बात नहीं कर ली। अच्छा, आप सभी लोगों ने एक चीज़ बहुत प्यार से देखी होगी, जिसका नाम मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, जिसका डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका नाम आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? और हम लोगों में से हर एक बच्चे ने अपनी अलमारी या फ्रिज पर इस मैग्नेट को चिपकाया है, लेकिन हम खुश तब हो जाते थे जब हमारे पास दो मैग्नेट होती थी तो हमने कहा कि एक मैग्नेट के पास जब दूसरी हमें बड़ी खुशी होती थी जब हम एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट ले जाते थे, वो या तो चिपक जाती थी या तो दूर जाती थी। अभी मैं इसको इसके पास लेके जैसे ही आया, तो बच्चों क्या होगा बताओ जल्दी, चिपकेगी या दूर जाएगी? चिपक जाएगी। बहुत बढ़िया, ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगी। अभी मान लो ये मैग्नेट है, अभी ये मैग्नेट है, और अब बताइएगा क्या होगा, बताइएगा, है ना? अब बताइएगा क्या हो रहा है, अब क्या होगा? अभी भी चिपकेगी। अभी किसी ने दिमाग में लगा लिया होगा कि पुनीत सर तो पता क्या बनाने वाले हैं, अब जब दूर जाएगी वही वाला केस बनाने वाले हैं ना, सब लोगों ने सोच लिया होगा। नहीं बच्चों, अब बताना क्या बनेगा, है ना? अब बताना है ना, एस और एन, अब बताओ। अब ये इससे दूर भागेगी और ये इससे भी दूर भागेगी, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगी और ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ आएंगी। जब हम तरफ आते थे तो हम बोलते थे अट्रैक्ट या अट्रैक्शन, और जब दूर जाती थी तो इसी को बोलते थे रिपेल या रिपल्शन। क्या बोलते हैं हम? रिपल्शन। यानी जब नॉर्थ साउथ होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, या साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो रिपल होंगे, ये हमने पढ़ा है। क्या ये भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं? हाँ। क्या ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं? हाँ। इस टाइम ये पुल कर रहे हैं और इस टाइम ये पुश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक चीज़ समझ में आई कि ये दो मैग्नेट भी एक दूसरे को या तो पुल करती हैं या तो पुश करती हैं, यानी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा। उस फोर्स को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक। क्या बोला? मैग्नेटिक फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा आ गया होगा तुमको, आई होप। जल्दी से इतना उतार लो कॉपी में और दिमाग में। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने लिख लिया है। अब यार, मोटे मोटे तौर पे तो हमने बात कर ली, इसको और अंदर से समझना है सर, अभी तो मजा आया ही नहीं है, अभी तो हमें टॉप करना है। अरे हमें टॉप कहाँ कहाँ करना? अरे बताते हैं, डर क्यों रहे, बता क्यों रहे? अब एक बात बताओ, सब लोगों से बात पूछूंगा, कभी मम्मी ने
कभी मम्मी ने तुमको कोई काम दिया है? कोई भी काम, कोई भी काम दिया है? वेरी गुड. अच्छा हाँ, मम्मी तो बहुत सारे देती हैं काम. अब बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत सारे काम, मम्मी तो बहुत, मेरे को भी बहुत काम देती है मम्मी. कह रहे झाड़ू लगा दे, ए कुर्सी को उठा के वहाँ रख दे, ए पुनित बेटा वो गिलास, एक गिलास. अच्छा जब कोई काम होता ना, ए बेटा गिलास पानी दे दे, एक गिलास पानी दे दे. चलो तुमने काम नहीं किया. अच्छा काम नहीं किया तो इतनी पिटाई होती है, फिर गालियाँ भी पड़ती हैं. लेकिन उसी काम को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो हम कहते हैं उसी को वर्क. क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क. अब सोच के देखना, अब सोच के देखना, बिल्कुल सोच के देखना. मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का मास m है. अभी बिल्कुल समझा रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से. और तुम्हारी मम्मी ने कहा ए बेटी मुस्कान, बोले हाँ मम्मी, ए बेटी मुस्कान जरा ये वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स को मेरे पास लेके आ जाओ, ये यहां रखा हुआ है इसको यहां लेके आ जाओ. मुस्कान गई बहुत अच्छी चमकान के साथ, मुस्कान गई इस बॉक्स को उठाया, इस बॉक्स को उठाने के बाद यहां रख दिया. मम्मी अपना काम करती रही, फिर मुस्कान को कुछ काम पड़ा तो उसी डब्बे को उठा के इसने यहां रख दिया. अब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आ जाती हैं. मम्मी देखती हैं कि वो डब्बा जो उनने बोला था कि क्या मुस्कान ने वो डब्बा यहाँ उठा के रखा, तो मम्मी क्या बोलने वाली है सबको पता चल ही गया होगा. मम्मी क्या बोलेंगी? मुस्कान तुमने काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो क्या लगता है आप लोगों की मुस्कान ने काम किया था? क्या मुस्कान ने काम किया था? जल्दी बताइए. सभी लोग बोलेंगे कि क्या मुस्कान ने काम किया. देखो कभी होता है किया तो था, लेकिन क्या मम्मी की नजरों में काम हुआ? इवन काम करने के बाद तो बिगाड़ दिया, मतलब पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, थोड़ी देर बाद उसी पानी से उसको गीला कर दिया और वापस कचरा जो बाहर डालना था वो कमरे में लगा दिया. तो क्या उस बच्ची ने क्या काम किया? नहीं किया मम्मी की नजरों में, लेकिन खुद की नजरों में तो थक गई ना. खुद की नजरों में काम किया. इसका मतलब इस बॉक्स को उठाने के लिए, इस बॉक्स को उठाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इस किताब को उठाने के लिए उसने कुछ ना कुछ पुल तो किया होगा. जल्दी बता दीजिए क्या उसने पुल किया? हाँ. अब उसको पुल करने के बाद उसने पुश भी किया होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला इस बॉल को उठाओ और उधर फेंक दो, तो मैंने बॉल को उठाई और उधर फेंक दी. तो मैंने जब बॉल को उठाया था तब क्या किया? पुल. और जब मैंने बॉल को फेंका तो मैंने क्या कहा? पुश. यानी मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन वो काम अभी भी मेरे पास ही है, मतलब दूसरों की नजरों में वो काम नहीं हो पाया. इसको आगे समझेंगे क्लास 9th में. आपको सिर्फ इतना समझाना था कि जरूरी नहीं है कि जब फोर्स लगाया जाए, यानी जब काम करा जाए, तो फोर्स जीरो हो जब वर्क जीरो हो. मतलब समझा रहा हूं कि काम नहीं हुआ तो काम कितना हुआ? जीरो. क्या तुम्हारा फोर्स भी जीरो था? सवाल है. क्या तुम्हारा फोर्स जीरो था? नहीं. बेचारी मुस्कान पता है उठा के लेके गई, वहां रख के आई, फिर उसी डब्बे को उठा के वापस उधर ही जगह रख दिया. काम तो नहीं हुआ मम्मी की नजरों में, लेकिन उसने बराबर फोर्स लगाया, बराबर एनर्जी खर्च करी और बराबर वो थकी भी होगी. इसी को बोलते हैं कि जब ये बॉक्स उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसको बोलते हैं खिसकना या खिसकाना, जो भी है, उठा के लाना. तो ये जब इधर से उधर खिसकता है एक पॉइंट पर, तो इसी को बोल देते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. और वर्क डन जो होता है वो इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है. वर्क डन जो होता है वो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है. और एक चीज और बता दूं, क्या वही काम, अब मैं एक बात बताता हूं, जैसे मुस्कान ने इस बड़ी सी चेयर को, फॉर एग्जाम्पल इस बड़ी सी चेयर को उठा के इस जगह से इस जगह रखी, तो मुस्कान ने तो बड़ी इजीली रख दी.
अब मैं कह रहा हूँ, 2 साल का बच्चा इस चेयर को उठाने के लिए, मान लो उसने उठा भी ली, तो इस चेयर को उठाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा या कम? ऑब्वियसली उसकी ताकत ज़्यादा लगेगी, उसका काम उसको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता अभी नहीं आई है कि उस काम को कर ले। यानी अब लेकिन काम तो हुआ है दूसरों की नज़रों में, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही हुआ है, लेकिन एक बंदा जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। अभी सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी काम को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स डायरेक्ट काम से रिलेटेड है, बिल्कुल डायरेक्ट। अब मुस्कान ने जब काम किया था तो वापस लेके आ गई, मम्मी के लिए उसने काम नहीं किया, लेकिन उसके लिए तो कुछ ना कुछ काम किया था। लेकिन नज़रों में मम्मी के ये आया कि जो वर्क डन था वो कितना था? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ उठ के यहाँ गई ही नहीं, भले ही वो वापस आ गई, लेकिन मम्मी की नज़रों में तो फाइनली वो पोजीशन पे है ना भाई, अल्टीमेटली काम तो नहीं हुआ। हम ऐसे देखते हैं, हम फिजिक्स में वर्क डन ऐसे देखते हैं। ये एक्चुअली में जो फोर्स एंड प्रेशर है वो बहुत बड़ा मेजर पार्ट है फिजिक्स का, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ आज की तारीख में। आपको क्या इतनी बातें समझ में आई? जल्दी से एक बार हाँ बोल देना, अगर नहीं आई तो बता दीजिएगा, जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड, अब सुनिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वर्क डन 0 कब होगा? जब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ ऐसे, भैया इस दीवाल को हिलाना है, पुनीत सर हिलाएंगे इस दीवाल को, ठीक है? क्या धक्का लगा रहे हैं पुनीत सर? सब बोलेंगे यस और नो, क्या धक्का लगा रहे हैं? हाँ, क्या ये हिल रही है? नहीं हिल रही है। वर्क डन कितना? 0। क्या फोर्स लगाया? हाँ, फोर्स लगाया। यानी अगर मैं देखूं तो फोर्स मेरा है, वर्क डन 0 है। क्या फोर्स 0 था? नहीं सर। तो अभी जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ फोर्स तब इस्तेमाल करते हैं, फोर्स इज अ पुश एंड अ पुल। बेटा सब लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। फोर्स इज अ पुश एंड अ पुल। फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, कोई भी चीज रखी है तो वो जब तक रखी रहेगी तब तक उस पर तुम कुछ ना कुछ फोर्स नहीं लगा देते। यानी किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या लगते हैं? फोर्स लगते हैं। देयरफॉर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इतना लिखें। ओके, तो फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब यह हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए एक बॉडी को क्या लगता है? फोर्स। एक चीज और, मान लीजिए कोई बॉल बहुत तेज स्पीड में आ रही है, वहां से कोई बॉल बहुत तेज स्पीड में आएगी। अभी बताऊंगा कब आएगी, जब मैं बोलूंगा ना आएगी तब आएगी। तो जब बहुत तेजी से बॉल यहां पर गिरेगी तो हम क्या करते हैं? हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे बॉल आ रही है तो ये बॉल आई और मैंने इसको क्या करा? रोका। जब ये बॉल यहां आई और मैंने इसको रोका तो क्या ये बॉल उस समय मूव कर रही थी? बोलो हाँ या ना। उस साइड से अभी एक और बॉल थी, अब वहां से वापस एक और आएगी, मान लो बॉल आ रही, तो मैंने इसको रोका। यानी एक मूव करती हुई ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा? रोका। और रोका मतलब पुश किया, पुश किया मतलब धक्का मारा। हाँ, ऐसे धक्का नहीं मारा, ऐसे रोक लिया। जब रोक लिया तो वो भी एक प्रकार का क्या था? फोर्स। इसका मतलब फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉप
अ बॉडी, टू स्टॉप अ बॉडी फ्रॉम मूविंग, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इतना उतार लीजिए फटाफट। ओके बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि फोर्स किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए, या कोई चीज जो मूव कर रही है उसको रोकने के लिए, यानी हमारी पूरी फिजिक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट के दो स्टेट होते हैं। एक तो होता है स्टेट और दो स्टेट होते हैं। आप बोलोगे सर ये कौन सी? ये स्टेट को हम बोलते हैं जिन कंडीशन में हमारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। बिल्कुल लिख लेना इसको, बिल्कुल दिमाग में, कॉपी किताबों में कहीं नहीं मिलेगा ये। तो पहला होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट ऑफ रेस्ट। और एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। पहला होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। और फोर्स किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पहले बताता हूं। फोर्स इज यूज्ड, अब फिर से लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फोर्स इज यूज्ड यहां पर जब रुकी हुई है कोई चीज, स्टेशनरी हो, ये कोई भी चीज स्टेशनरी हो और यहां पर कोई चीज मूविंग हो, ध्यान रखना। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए काम करते हैं, काम यूज किया जाता है। वेदर इट इज मूविंग और एट रेस्ट। अच्छा, आप लोगों ने लोहे वाले का काम देखा? लोहे वाले जो काम करते हैं उनके पास एक हथौड़ा होता है, हैमर, जो ट्रिपल एच के पास होता था ना, हैमर लेके आता था, जैक हैमर। वो हैमर लेके आता है और एक बहुत बढ़िया गोल से आकार को वो पीट पीट के पतला कर देता है और चपटा कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो फोर्स लगाता है, पीटता यानी पुल पुश करता है, और जब पुश करता है यानी फोर्स इज यूज्ड या फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी मटेरियल। शेप एंड साइज ऑफ एनी मटेरियल। एक और चीज, आप अभी बहुत सारा IPL देख रहे होंगे, बहुत सारा, तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, उधर से बॉल आ रही है, इधर से उसने शॉट मारा, बैट से लग के बॉल जहां से आई थी उसी डायरेक्शन में चली गई, मतलब बॉल आई थी इधर से और इधर से वापस चली गई, यानी यहां से इस डायरेक्शन में आई और यहां से इस डायरेक्शन में चली गई। यानी फोर्स इज ऑल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, बॉल यहाँ आई, उसने कुछ नहीं करा, बॉल बहुत तेज थी, उसने हल्का सा बैट मार दिया, इधर फोर्स लगाया, उधर चली गई बहुत तेज, तो इधर से सिक्स मार दिया, उसने कहा नहीं इधर से आ रही मैं उधर ही मारूंगा, तो उधर सीधा मार दिया, तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा। ज़्यादा दूर तक जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब एक ने किसी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ बॉल आई और बैट यूं हल्का सा इधर से ऐसा पुश दे दिया तो पीछे की तरफ चली गई। यानी फोर्स का इस्तेमाल किया है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इतना और नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बच्चों कितने प्रकार के हमारे पास फोर्सेस हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा, एक खूबसूरत बात समझी कि मान लीजिए
ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है और इस अर्थ से थोड़ी दूर पर कोई चीज गिरी हुई, जैसे मान लीजिए बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा कैसा बना रहे हैं अपने सर? सर बना रहे हैं अब कुछ मोमबत्ती टाइप बना दिया, यहाँ से कोई बॉल फेंकी नीचे, फेंकी भी क्या, छोड़ दी, तो वो अपने आप चली जाती है नीचे की तरफ। जब वो अपने आप नीचे की तरफ आती है तो ये अर्थ क्या करती है, अर्थ पुल द, पुल एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचती। हाँ अभी रुक जा, अर्थ जब अपने आप किसी भी चीज को, किसी भी चीज को खींच सकती है, चाहे वो छोटा सा कागज क्यों ना हो या बड़ा सा लोहे का टुकड़ा क्यों ना हो। जैसे धागे को फेंक रहा हूँ तो धागे को भी खींच रही है अर्थ, बॉल को फेंका था बॉल को खींच लिया, ये पेन को फेंकूंगा पेन को खींच ले गई, जब छोटे से कागज के टुकड़े को ऐसे छोड़ूंगा ना तो भी अर्थ उसको खींचती है। अर्थ पुल एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ग्राउंड, एनी ऑब्जेक्ट पुल्स, एनी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचती है टूवर्ड्स ग्राउंड, एनी ऑब्जेक्ट कोई सा भी। इसको गेट को लगा देना यार, बहुत चिल्ला रहा है, लगा दो गेट को। हाँ एनी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को खींच रही है, तो दैट प्रोसेस या मैं दैट फिनोमिना बोलूंगा, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। क्या बोलूंगा मैं? ग्रेविटेशन। अभी देखो इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल कर्रा समझाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा। जब ये बॉल जब नीचे की तरफ आ रही थी, अब सोचो ये बॉल है भारी, कौन सी, लेदर की, तो ये तेजी से नीचे आएगी, बोलो हाँ या ना। अब ये प्लास्टिक की बॉल होगी तो और थोड़ी सी स्लो आएगी, वेरी गुड। अब ये कागज की हो गई तो और स्लो आएगी, हाँ सर। अगर मान लीजिए ये रुई की हुई, कॉटन की हुई, तो और स्लो आने के चांसेस हैं। यानी जो अर्थ का खींचना होता है, अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मास कितना है उस हिसाब से उसको खींचती है। अभी पूरी बातें बताऊंगा। ये जो अर्थ हमेशा खींचती थी ना, इसको हमने कहा ग्रेविटेशन, लेकिन ऐसा नहीं था। मिटा दूं? देखो अभी क्या है वो बताता हूं। एक्चुअली में ग्रेविटेशन क्या था, फिर मैं बताऊंगा किस टाइप का फोर्सेस है। एक्चुअली में जो ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशन वो कुछ और था, समझाऊं? देखो बताता हूं। क्या कोई इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्स बहुत पसंद होगी, स्पोर्ट्स कार? मुझे भी, तुम्हारे सर को भी बहुत अच्छी लगती है कार जिसका नाम है ऑडी। ऑडी की एक कार है जो मैं बताना अभी नहीं चाहूंगा, लेकिन ऑडी की एक बहुत खूबसूरत कार लगती है, जो बहुत सबसे महंगी कार है अभी, R8 है शायद, R7 या R8 है ऑडी की। यार मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कार, जैसे वो कार निकलती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या कार एक ऑब्जेक्ट है? हाँ। क्या मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ? हाँ। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर वन और ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर टू। जब मैंने इस गाड़ी को देखा तो क्या मैं इस गाड़ी से अट्रैक्ट हुआ, हाँ या ना? हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा ये खरीदनी है, यही लेनी है। अब फिर प्राइस पूछा, फिर ऐसे दूर जाने लगे। अभी प्राइस से रिपेल होते हैं अपन, है ना? लेकिन खैर कोई भी चीज हो, किसी ने बोला ग्रेविटेशन क्या है, कैसे समझाओगे? अब चुंबक तो है नहीं, समझा दिया नॉर्थ नॉर्थ रिपेल इच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट इच अदर, ऐसे नहीं बताया। तो उनने कहा इस दुनिया की,
इस विश्व की या इस यूनिवर्स की, इस यूनिवर्स की, एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. इस दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. अब आप बोलोगे सर ये मोबाइल भी मुझको अट्रैक्ट करना चाहिए. हाँ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये मेरे पास इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि मेरा मास और उसका मास बहुत कम है. मेरा मास और उसका मास बहुत कम है, इसलिए फोर्स समझ में नहीं आता कि लग रहा है, लेकिन लगता है. ऐसे ही अगर कोई चीज अर्थ से थोड़ा सा भी दूर चली जाती है तो अर्थ उसको अपने पास खींच लेती है, क्योंकि अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, इसलिए वो दिख जाता है हमको कि खींच रही है. अब भाई ये भी इसको खींच सकती है अर्थ को, लेकिन इसका मास बहुत कम है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये अर्थ इसको खींच रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये भी अर्थ को उसी चीज से खींचती है, तभी तो वो उसके पास आ जाती है. अर्थ खींचती, अर्थ को खींचती है. लेकिन सुनो, हम यही मानेंगे कि अर्थ सबको खींच रही है, उसी को तो ग्रेविटी बोली, क्योंकि मास ज्यादा है. अब सोच के देखना कि मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है बच्चों, कौन चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों ओर? सन, मून. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. तो क्या अर्थ का कुछ मास है? हाँ. क्या मून का कुछ मास है? हाँ. क्या ये दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं? बिल्कुल सही जवाब, खींच रही हैं. अब किसी ने सवाल पूछ लिया, सर ये खींच रही हैं तो ये इसके पास क्यों नहीं आ जाती? ये ऐसा खींच रही है कि मून इसके चारों ओर चक्कर तो लगा रहा है, अगर ये खींचती नहीं तो मून इधर भाग जाता, मून अपने आप चले जाता इधर. क्या क्या है, क्या है, मुझे अर्थ से कोई मतलब थोड़ी है. यानी इस विश्व की, इस यूनिवर्स की, इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे को खींच रही हैं, एक दूसरे को एक फोर्स से खींच रही हैं, और उसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी फोर्स को क्या कहता है? ग्रेविटेशन. अब सुन, किसी ने बोल दिया कि सर अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या अर्थ ने हमारे पास से कोई धागा बांध रखा है जिसको खींच लेते, जैसे पतंग को भी तो खींचते हैं, अपन पतंग उड़ाते तो खींच लेते. तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई धागे वागे की जरूरत नहीं है, ये बिना कॉन्टैक्ट किए ही फोर्स लग जाता है ये. तो ठीक है बेटा, तो वही जो फोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें कोई भी धागा वागा बांध के नहीं रखा. तो किसी ने पूछ लिया भाई धागा बांधा हुआ है कि हमको खींचने वाला? बोले नहीं, पतंग में तो धागा बांध लेते, हम में नहीं बांधा. इसलिए क्योंकि अर्थ हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करती है इसको खींचने के लिए, इसलिए हमने इस फोर्स को नाम दिया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्या नाम दिया इसको? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जादू होता है, अपने आप खींचता है, कोई धागा नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम इसको? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर किसी ने बोल दिया भाई कॉन्टैक्ट का नाम बताओ, तो कॉन्टैक्ट में तो आपने इस किताब को उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाया. आप देखा होगा बॉडी बिल्डर होते हैं, ऐसे मसल्स ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो बच्चों वो उस डंबल को उठाने के लिए, उसको उठाने के लिए कुछ तो लगाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जैसे मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. एक और होता है नॉन कॉन्टैक्ट. देखो अभी तो हमने बात करी ग्रेविटेशनल की, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैग्नेट है, मैंने इसके पहले ही बताया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर एक और मैग्नेट है जो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये इसको भगाएगी, ये भी इसको भगाएगी, ये कौन सा फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? मेरे प्यारे बच्चों ये भी होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो ऐसे फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के लग जाएं, ऐसे फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के लग जाएं, उन फोर्सेस को कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें एक और आता है जिसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. लिख लेना आप लोग, आपकी किताब में होगा कि नहीं होगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं तो बताऊंगा आपको. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, जैसे आपने सुना होगा चार्ज. तो मान लीजिए मैंने कह दिया एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है.
एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वही नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे भगा देंगे, इधर भागो इधर भागो। तो ये जो होगा वो होगा रिपल्शन और ये जो होगा वो होगा अट्रैक्शन। और यहाँ भी कोई हमने धागा नहीं बांधा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये फोर्स भी जो कहलाएगा वो कहलाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट की बातें हम कल करेंगे बहुत अच्छे से, पहले इतना उतार लो। ओके बच्चों, अब देखो तो आज का कार्यक्रम हमने पढ़ा कि टाइप्स में भी हमारे पास एक होता है कॉन्टैक्ट और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। तो हमने आज पढ़े हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक हुआ, मैग्नेटिक के बाद हमारे पास हुआ ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशन के बाद हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज से रिलेटेड है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फोर्स। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा फोर्स, तो किसी ने बोल दिया सर फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एनी पुश और पुल, वेरी गुड। अब किसी ने बोल दिया भाई क्या है होता, और भाई बिना फोर्स के, विदाउट फोर्स नो वर्क कैन बी डन, कोई भी वर्क नहीं हो सकता। फिर कह दिया भाई फोर्स क्या करता है, फोर्स करता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए। तो फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक और चीज जो फोर्स कर सकती है वो क्या कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। विदाउट फोर्स नो वर्क कैन बी डन, कोई भी वर्क नहीं हो सकता। तो फोर्स बहुत शानदार। अभी हमने फोर्स कितने प्रकार की पढ़ी, एक होती है कॉन्टैक्ट और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट में कौन कौन सी आती हैं, तो नॉन कॉन्टैक्ट में जिसमें टचिंग वगैरह हो ही ना, तो पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक के बाद कौन सा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो चार्ज वगैरह में लगती है। इतना और उतार लो।